कैसी बनी कड़ी लाइफ में अपनी। हेलो मम्मी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बना रही हो आज? आज हम बूट की कड़ी बना रहे हैं। इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है? सबसे पहले बूट बाजार से आते हैं। हाँ। फिर उनको छीलना पड़ता है। ठीक है। फिर उसके बाद उसको छील के मिक्सर में धो के मिक्सर में पीसे जाते हैं बिल्कुल बारीक। बूट को धोकर मिक्सी में पीसे जाते हैं। ठीक है। उसके बाद पीस के दही निकाल के एक बर्तन में और दही मिला के हींग जीरे में छोंक देते हैं कड़ी को। ये कैसी होगी? दरदरा नहीं और बारीक पीसूंगी। अच्छा। इसको किस तरीके का रखते हैं मम्मी? कितनी हो? बिल्कुल बारीक। क्या डाला मम्मी सबसे पहले? घी। घी किया। बूट के मिक्सचर में उसमें दही मिला दिया। दही में थोड़ा सा पानी मिला दिया। मतलब उसके मिक्सचर में थोड़ा सा दही अच्छी तरीके से मिक्सअप करके दही डाल दो, फिर थोड़ा सा पतला लिक्विड ही बनाने के लिए पानी डाल दो। स्वाद अनुसार नमक, हल्दी से पीली हो जाती है इसलिए बहुत हल्दी सी, बहुत हल्दी सी है। फिर वो बिना बूट नॉर्मल हो जाएगी वो येलो, और ये बूट की कड़ी है इसलिए हरी हरी दिखनी चाहिए। हल्दी ज़्यादा डाल दी तो फिर पीलापन आ जाएगा, वो हरी नहीं दिखेगी। वाह समझ गया। और साथ में हम बना रहे हैं कड़ी के क्या मसाला आलू, जिसके लिए कुछ आलू बॉईल होने कुकर में रख दिए। वाह यार वाह, इस कड़ी को हमेशा चलाते रहें, अदरवाइज़ इस कड़ी में बॉईल बहुत जल्दी आता है, ये बाहर ना निकल जाए, इसलिए इस कड़ी को चलाते भी रहें। देख रहे हैं आप इसका टेक्सचर, ये अभी हमारे यहाँ नया इसको क्या कहते हैं चिमनी लगी है हैंड सेंसर वाली, इससे तेज हुआ, इससे ऑफ हो जाएगा। हैंड सेंसर वाली है, ऐसे करो तो F1 पे चालू हो गया, F2 पे और तेज हो गया, F3 पे और तेज हो गया। ये आ गई हमारी कड़ी। क्या कर रही हो? मटर डाल, इसमें आप मटर डाल रही हो क्या? इसमें मटर की कड़ी बनती है, इसमें मटर डाल। अच्छा, इस बूट की कड़ी के मिक्सचर में मटर डालो, मटर की कड़ी बनेगी। जैसे कि पकौड़ी की कड़ी बनती है, एक मटर की कड़ी बनती है, तो बूट प्लस बूट में मटर की कड़ी, बूट पीस के मटर डालने के। वाह यार कड़ी का टेस्ट ही है। तैयार हो गया है आटा,
कड़ी ऑलमोस्ट तैयार होने वाली है। राइस चढ़ गए और बॉइल्ड मसाला आलू के लिए आलू रेडी है। नहीं लाल लालपन कैसा गया? तो मिर्ची डाल दी ना। धनिया डाल के ऐसे लग रहे हैं आलू। आलू का आउटकम आया है वो है ये। वाह, पहले तो ये बता मेहनत की कड़ी कैसी लगी? है खट्टी हो गई? खट्टी हो गई मेरे लायक हो गई खट्टी? नहीं तेरे लायक नहीं। भैया मेहनत से होना चाहिए, मम्मी ने बहुत इतनी तपस्या और मेहनत के बाद मम्मी की मेहनत की कड़ी बूट की कड़ी खा के देखें। ठीक है माते, आपकी बूट की कड़ी खाते हैं और बताते हैं आपको कैसा लगा। तबीयत खराब हो गई मैडम की आज। और ये है मेरी थाली। वाह, कैसी लगी, कैसी लगी मम्मी के हाथ की बूट की कड़ी? आज तुम्हारी तबीयत ख़राब थी इसलिए स्पेशली तुम्हारे लिए बनाई है। जल्दी बताओ कैसी लगी, सच सच आके इधर इधर आके वो ये इस प्रकार बनी कि थाली ऐसी हो गई है। देख कैसी बनी बता तुम। बूट की कड़ी तुम्हारा तो जैसे आदमी का आखिरी बाइट है तो उससे तुम्हारा कैमरा चार्ज। बूट की कड़ी कैसी बनी? बता तुम खा चलो हमारे बाबू। कैसी बनी कड़ी? आज मैंने लाइफ में अपनी पहली बार बूट की कड़ी खाई और मैंने थोड़ी सी वीडियो भी देखी जो आपने मुझे दिखाई, अच्छी लगी मुझे। और इसका टेस्ट एक अलग ही टेस्ट था, जैसे बथुए की कड़ी खाई है, मटर की कड़ी खाई है, दस तरह की कड़ी खाई, इसका टेस्ट एकदम अलग था। मुझे पता चला आपको ये बूट की है खाई थी। नहीं ऐसा कुछ पता नहीं चला, लेकिन उसका इनहेंस कैसे कुछ कहते हैं ना कि नमक के बिना खाना अच्छा नहीं लगता, तो ऐसे ही मतलब वो बूट की कड़ी से इनहेंसमेंट आ गया उसमें। How was it in taste? बहुत ही टेस्टी, और जो कड़ी की खासियत होती है खटास थी, जो लोग पसंद करते हैं वो खटाई भी थी उसमें। एंड अ डिफरेंट कलर्ड कड़ी, ग्रीनरी काइंड ऑफ ग्रीन, राइट? जैसे मतलब येलो येलो सी नहीं है, थाई फूड होता है ना, थाई फूड थाई फूड की कड़ी थी। तो डिड यू लाइक दैट? वेरी मच, 5 out of 5। से टू हर दैट इट वाज मेड गुड। यस, शी इज अ शेफ ऑफ बूट कड़ी। हु? माय मदर इन लॉ। वाओ, वी हैव वीडियो हमारे पास, जैसे ही आप लोग अगर हमें रिक्वेस्ट करेंगे तो हम सारी वीडियो बना के इसको YouTube पे अपलोड कर देंगे, जिससे आप भी अपने घरों में बना सकें। ठीक है साहब, थैंक यू वेरी मच मम्मी, आपकी तारीफ हो गई, धन्यवाद धन्यवाद।